आज मैं निफ्टी पे अपना व्यू लेके आया हूँ। निफ्टी देखेंगे, ज़्यादा इसको से ज़्यादा इस पर फोकस थोड़ा फास्ट भगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस पर आते हैं, अपडेट होते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर डायरेक्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि निफ्टी में क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक का क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, पूरा नेक्स्ट वीक कैसा चलेगा। तो मेरे अंदाज से आपको फर्स्ट 3 डेज में आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेक्स्ट 3 डेज में हो सकता है आपको निगेटिव दिखेगा, लेकिन फर्स्ट ये एक बार आप लेगा और 11,000 के पास जाएगा, 10,950 पे इसका बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करता है तो 11,100 11,100 दिखाएगा और वहां से फिर आपको डाउन लेने का ये दम रखता है। चलिए एक बार डेट थोड़ा सा समरी बात कर लें। ये जो निफ्टी क्लोज हुआ है 10,805 पे क्लोज हुआ है, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था, अगर 10,800 पे पहले ऊपर ऊपर क्लोज होता तो बहुत अच्छा होता, और वो इस बार इसने दिया है। और 31 भले ही आप सोच रहे हैं छोटा सा गेन है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेन है देखने के लिए। और एडवांसेस 29 है, डिक्लाइन 21 है। एडवांसेस में भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, यस बैंक, आईओसी और कोल इंडिया एडवांसेस की ओर पोजीशन बनाए हुए हैं। डिक्लाइन में एसिड टेक, जेएसडब्ल्यू, एचडीएफसी, जेल और टाइटन डाउनवर्ड की ओर पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको एफआई की पोजीशन की बात बताऊं कि एफआई क्या कर रहे हैं इसमें, तो जस्ट मैं एक मिनट, यहाँ पे आपको मिलेगा, यही पे मिलेगा, ये आपको FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो FII ने यहाँ पे 861 करोड़ की बाई किया है और DII ने 302 करोड़ का सेल किया है। तो यही FIDI का रहा पूरा पोजीशन रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब इसे FIDI की पोजीशन से बाहर आते हैं। अगर इंडेक्स की बात देखें तो सारे इंडेक्स पॉजिटिव है, बिक्स बहुत ही निगेटिव हो गया, 15 पॉइंट आ गया। और जब भी माना जाता है कि ये 1516 होता है तो मार्केट अप जाता है, ये एकदम नीचे पॉइंट पे विक्स काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, कि 15 से बिलो जब जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट 15 है, ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब ये विक्स आपको नीचे की ओर दिखाएगा। और सारे सेक्टर, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को, मेटल को थोड़ा छोड़ दे, फार्मा को छोड़ दे, तो सारे सेक्टर ने भी बुलिश पैटर्न में आपको क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी बैंक पे हो गया। अगर आप हम एक बार इसको चार्ट पे जा करके देखें, चार्ट पे भी देखें तो एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। चार्ट पे देखिए, ये बुलिश पैटर्न यहाँ से यहाँ की और बुलिश पैटर्न ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर लो बना, अपर बना रहा है, विद वॉल्यूम भी हो रहा है। डेली पैटर्न पे देखें तो वॉल्यूम के साथ ये अपर साइड पे जा रहा है और 10,805 की क्लोजिंग दिया है इसने। तो अब जो इसका यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल पे खड़ा है, तो अब जो इसको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, ये पहला टेस्ट करने की कोशिश करेगा 10,890, 890 पे जाकर के थोड़ा मोड़ा इधर उधर रुकेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसको चैलेंज करेगा, इस कैंडल को चैलेंज करेगा जो कि 10,941 है। ये दोनों कैंडल को अगर क्रॉस करता है तो ये फिर आपको यहाँ पे जो आपको आराम से इस कैंडल इसके क्रॉस करने के बाद आपको वापस यहाँ पे एक बार 11,200 को टच करने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे 11,200 पे रेसिस्टेंस है। तो अगर हमें इसको डेली बेसिस पे अगर डेमा भी बताऊँ तो सारे डेमा को क्रॉस करके ये सारे 9, 21, 22 सब डेमा को क्रॉस करके बैठा है। अगर वीकली पैटर्न पे भी देखूँ तो वीकली पैटर्न पे भी ये सारे डेमा को क्रॉस करके बैठा हुआ है। और अगर मंथली पे भी देखूँ तो मंथली पे भी ये सारे डेमा को क्रॉस करके बैठा हुआ है। तो हर हालत में ये सारे डेमा को क्रॉस करके बैठा हुआ है। और एक बार इसको 4 आवर्स के कैंडल पे भी चेक कर लेते हैं। 4 आवर्स के कैंडल को भी अच्छा माना जाता है। तो 4 आवर के कैंडल में भी आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर यहाँ तक तो ऊपर गया, मीन्स 12 बजे तक, 12/12/2018 को 12 बजे तक यहाँ तक ऊपर गया ये। और फिर उसके बाद ये जो 13/12 को, फिर ये 13/12 को ही रहा, 13/12 का ही पोजीशन है, 14/12 का पोजीशन है यहाँ पे, और 14/12। तो आप देखेंगे ये 13/12 के सेकेंड हाफ से लेकर के और 13/12 के 12 बजे से लेके 14, ये देखिए लास्ट 4 दिन से यहीं पे खड़ा है। 4 आवर का कैंडल आपको क्या बताता है, ये देखिए लास्ट 4 दिन से यहाँ पे खड़ा है। तो कोई बात नहीं, अब ये एक अपसाइड दिखाने को तैयार है। आप MACD लाइन देखेंगे, अगर MACD देखेंगे इसका तो देखिए कैसे ये बुलिश पैटर्न बना रहा है MACD में, देखिए। और अगर RSI में देखेंगे तो RSI भी एक बुलिश पैटर्न बनाने को तैयार है, ये देखिए। तो MACD, RSI दोनों एक बुलिश पैटर्न, स्टॉकिस RSI है, ये दोनों एक बुलिश पैटर्न बता रहे हैं। और ऐसा डेरिवेटिव से भी देखने को पता चलता है। अगर निफ्टी में 27 दिसंबर का 10,805 पे क्लोज हुआ है, 14 दिसंबर है,
अगर मैं इसकी क्लोजिंग, अगर मैं इसको डेरिवेटिव पे जा करके चेक करूँ तो आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, आप 10 एट द मनी क्या हो गया आपका 10805 है, तो एट द मनी 10800 हो गया, 10800 पे जाइए तो 10800 पे आप देखेंगे तो यहाँ पुट में 452,000 की खरीदारी हो रही है, 32,00,000 का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन इस पे पुट पे बन चुकी है, पुट पे अच्छी खासी पोजीशन, पुट पे अच्छी खासी पोजीशन बन चुकी है, 32,00,000, 452,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और टोटल 32,00,000 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया। पर जब आप कॉल की ओर जाएंगे तो कॉल में आपको सिर्फ 117,900 का एडिशन आपको देखने को मिलेगा और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 29,47,000 का है। तो आपको क्या दिख रहा है कि कॉल साइड में, कॉल साइड में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से आप देखें तो ऊपर की ओर देखिए आपको जो एडिशन हो रहा है उल्टा, यहाँ पे आप देखिए 11,100 पे अनवाइंडिंग हो रहा है, तो ऊपर का दायरा पूरा खुला हो गया, ऊपर की ओर रेसिस्टेंस कुछ नहीं। आपको क्या बोला गया है, ऊपर की ओर रेसिस्ट होता है, आदमी ऊपर जाता है तो क्या होता है उसको रेसिस्टेंस मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए, और नीचे की ओर उसको क्या मिलता है, जो पहला ऑलरेडी क्रॉस करता है वहां उसको सपोर्ट मिलता है। तो ऊपर की ओर तो रेसिस्टेंस ही ब्लैंक हो गया है, ऊपर की ओर कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, 11,100 पे था वो भी आप देखिए हट गया है, अब केवल 11,000 पे पुराना एडिशन तो 98,000 का हुआ है, पुराना 50,00,000 का पड़ा हुआ है इसके पास। तो 11,000 जैसा मैं आपको चार्ट में बताया कि 11,941 पे उसको सबसे बड़ा ऐसे वो प्रॉब्लम था, तो 11,941 पे जाकर के वहाँ पे वो रुकता है और वहाँ से कोई पोजीशन बना करके दिखता है तो बेहतर। अब ये जो ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको फर्स्ट हाफ में जरूर से ऊपर ऊपर ही रहेगा, और एक बार 11,200 तक 11,000 क्रॉस करता है तो 11,200 को आपको दिखाएगा, फर्स्ट उसको 10,941 पे प्रॉब्लम है। तो किसी को कॉल साइड अगर पोजीशन बनानी है तो 10,900 का जो कॉल है 70 रुपये में मिल रहा है, या 10,950 का जो कॉल है 52 रुपये में मिल रहा है, या 11,000 का 38 रुपये पे मिल रहा है, 75 का लॉट है, तो आप तीनों में से कोई जिसके पास जितनी रिस्क कैपेसिटी है एक एक लॉट लेके आप पोजीशन बना सकते हैं। एक ही लॉट लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। आप जब भी ज़्यादा लेते हैं आप रिस्की पोजीशन टेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाता है तो आप कोई पोजीशन बना नहीं पाते हैं। ये छोटे लोगों के लिए है, बड़े लोगों का आप अपनी मर्जी से लॉट की कैपेसिटी और देख सकते हैं। तो मेरे अंदाज से 11,000 आपको कहाँ से चलना, 10,800, तो और चाहिए तो आप 10,950 से चालू कर सकते हैं। तो बेहतर क्या होगा, 10,900 से कीजिए, 10,900 का 70 रुपये मिल रहा है, 10,950 का 52 रुपये मिल रहा है, 11,000 का 38 रुपये मिल रहा है। तो आप ऐसे पोजीशन की ओर बढ़ते चले, एक एक जो आपको इसमें से पसंद है एक ले, और वापस ऊपर जाता है तो वापस ऊपर इसको इसको भी प्रोसीड करते चले। बट 10,950 पे रेसिस्टेंस है, तो हो सके तो वहाँ पे आप एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, और 11,000 अगर जब भी आपको क्रॉस करते दिखे, 11,025 जैसे दिखे आपको, 11,200 का कॉल आप पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अभी 8 रुपये पे है। और अगर आप डुबाने के लिए कोई है, पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डूब जाइए कोई बात नहीं, तो 11,200 का कॉल आपको 8 रुपये पे मिल रहा है, 57,56 तो 560-600 रुपये लगता है। आप इसको डुबाने के लिए अगर किसी को पेपर ट्रेडिंग करना है तो 11,200 का कॉल भी टेस्ट कर सकते हैं। बेहतर तो ये होगा आप 11,000 का टेस्ट कीजिए, जो कि 38 रुपये पे है, तो 2,500-3,000 रुपये लगेगा। आप इसको टेस्टिंग करते तो अच्छा पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, सेकंड हाफ में आरबीआई का क्या पोजीशन आता है, आरबीआई कैसे अपना देती है, बयान देती है, क्या फंड लिक्विडिटी देती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 11,000 एक बार हो सकता है वापस आपको 10,950 दिखेगा, जो कि मैंने आपको कैंडल ये दिखाया है, ये कैंडल इसके लिए चैलेंजिंग कैंडल है, ये कैंडल जो कि हाई बनाया था 10,939 का यहाँ पे शो कर रहा है, ये 4 आवर का है, सॉरी मैं आपको वन डे का दिखा देता हूँ, वन डे का देखेंगे 10,941 दिखा रहा था, ये कैंडल है 10,941 का। तो ये 10,941 जो है ये आपको यहाँ पे ट्रबल करेगा, ये अगर क्रॉस करता है तो वापस आपको 11,100 आराम से देखने को मिलेगा, 11,200 के पहले वो नीचे नहीं आएगा। तो एक बार 11,200 आपको दिखाएगा, फिर 11,000 पे अच्छा खासा उसको सपोर्ट इनफैक्ट मिल जाएगा, 11,000 भी इतना ईजी नहीं टूटेगा, टूटना होगा तो कोई बैड न्यूज़ के चलते टूटेगा, फिर अपसाइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी केवल पॉजिटिवनेस दिख रहा है, MACD RSI सभी पॉजिटिव बना रहे हैं, तो मेरे अंदाज से शॉर्ट करके निफ्टी पे नहीं चलना, बैंक निफ्टी पे अलग पोजीशन होगी, निफ्टी पे अलग पोजीशन होगी। बैंक निफ्टी में डॉ बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हो सकता है उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिले, निफ्टी अभी स्ट्रांग दिखा रहा है, तो निफ्टी पे आपको पॉजिटिव ट्रेंड बना के चलना है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। तो निफ्टी पे आप पॉजिटिव ट्रेंड है, आपको जो लगे पोजीशन बनाना हो ऊपर और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10,950, 11,000 ये तीन बेस्ट है, जो कि 70, 52, 38 पे मिल रहा है, ये मेरे तरफ से बेस्ट बाइक रिकमेंडेशन होगा पेपर ट्रेडिंग के लिए। फिर भी अगर कोई फाइनेंशियली आपको कोई पोजीशन बनानी हो मार्केट में, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही बनाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।